क्योंकि संत जरनैल सिंह होरी उस वक्त अगर किसी की गल नूं तवज्जो दिंदे सन जां मंनदे सन तो बाबा खड़क सिंह होरी कार सिखा रहे सन। इन्हां वेखदे होया मैं बाबा खड़क सिंह होरां नूं बेनती की कि संत जरनैल सिंह होरां नूं इस वक्त गिरफ्तारी देनी चाहिए और दरबार साहब छड़ देना चाहिए। उन्हां दा बचन सी कि सरकार एक गलती भुल के नहीं करेगी। अंदर बहुत ज़्यादा मर जुड़े बैठे हैं, सरकार पता नहीं ला सके। और मैं कहा बाबा जी गल हैगी कि जिस तरह के हालात है कि सरकार को भी फौज बड़ी है, 12 लाख कहते हैं फौज है, ये भी मरण वास्ते पैसे देते हैं, जीण वास्ते पैसे नहीं देते। तो सानू इस विच नहीं पैना चाहिए, साडा 2-4 हज़ार बंदा अंदर बैठा तो असीं मुकाबला करांगे, खराबी ना हो जाए कौम की। संत जरनैल सिंह उन्हां दी मैं इस गल तो बहुत इज्जत ते कदर करदा सी ते उन्हां दी जबान दे विच इतना दस सी एज ए प्रचारक उन्हां वर्गा इस सदी विच कोई प्रचारक नहीं। जनरल सुभेक सिंह जिहड़ा सी उहदे तुहाडे नाल संबंध रहिण तुहाडा जनरल रहा, तुसीं उस नूं वी गल करके कह सकते हो भाई असीं सानू इस तरह दरबार साहब के अंदर इस तरह की लड़ाई जी इस तरह की जंग नहीं लड़नी चाहिए। अकाली लीडरशिप कोई ना कोई बंदा तो बेईमान है सी, इन्हां नूं अपना यह डर सी कि जे संत जरनैल सिंह इतों जेतू होकर निकल गया साड़ी लीडरी का तो भोग पै जाएगा। जब ब्लैक थंडर होया सरकार ने बत्ती बुझानी सब कटता सी, उस को सरकार ने स्टेप क्यों नहीं चुकया। मैं ये समझा जी कि जिस तरह ओपोजिशन वाले दे संबंध सरदार प्रकाश सिंह बादल दे सन सारे तो अबव स्टेचर उदा बहुत उच्चा सी, वो इस गल नूं टाल सकता सी जे सियासत ना खेड़दे। कि जे इंदिरा गांधी अटैक करने तो बाद एक गल सोचती है कि मैंने बड़ी गलती की, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, पहले क्यों नहीं सोचा, पहले उसको किस किस ने उकसाया, कैड़ी सिख लीडरशिप उसनों एक करने वास्ते कह रही थी। जड़े आज 84 दी विधवावां दे लीडर बने पे इन्हां दे पल्ले एक टुट्टी साइकिल नहीं सी होंदी, अज वह करोड़ों रुपए के मालक। टोड़ा साहब कहते सर मैं श्रोमणी कमेटी का प्रधान रहना है, टोड़ा साहब की दोवां संतां नाल भिंडर वाले नाल संत लौंगोवाल तालमेल बहुत अच्छा सी, तो जब चोण आते दोनों उसको ना रिकमेंड करते सन, मतलब टोड़ा साहब की भी सियासत को कुर्सी में कोई खतरा नहीं सी। समुची लीडरशिप जिहड़ी सी वह दरबार साहब अंदर सी, भावें संत लौंगोवाल से भावें टोड़ा साहब सन, रामू वालिया से होर बथेरे सन। सरदार प्रकाश सिंह बोदल बादल अमृतसर ना होकर चंडीगढ़ क्यों सन, तुसी इसनों अपने परिवार की जागीर क्यों बनाया होया है भी साढ़े सिर तुहाडा ही पीटीसी चैनल चलेगा, तुसी कोई होर शुरू कर दोगे उस पर भी वो चलेगा, पर होर किसी को हक नहीं। अपने गुरु दी बेदबी का बदला लैण लई दोषियों नूं सजा देने दे लई 1000 बादल वार के सुट दिओ, 1000 सुखबीर वार के सुट दिओ, पर गुरु की बेदबी का बदला लै लो, बस मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। सरदार सुखदेव सिंह ढींडसे ने प्रधान प्रेजिडेंट साहब ने गल कही तुसी साडियां मंगा मनो उससे असी 20,000 का कट करांगे, और बोले सोने हाल करके उसकी प्रवानगी लैके मोर्चा खत्म कर देंगे, तुहाडियां मंगा मन लांगे, ये लफ़ज़ सानू ना दे। अकाल तख्त साहिब विखे जो घल्लूकारा होया सी उसके बारे साडे नाल गल करन दे लई अज परमजीत सरना सर मौजूद है। सरना सर को जानते हैं क्योंकि उस समा की अगर गल की जाए सरना सर जिस तरीके दे नाल कई सिखां दी जान गई सी हले तक भी इंसाफ नहीं मिलिया, सच नहीं सामने आया है, ये उही दिन चल रहे हैं जो एक घल्लूकारा उत्थे वापरिया सीगा, किस तरीके नाल तुसी इस चीज़ बारे कहना चाहोगे? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखो जी ये इतिहास जिहड़ा हैगा सन 75 तो लैके अज तक का
पर चंद सारियां मेरे अखां तों अगे होके गुजरिया। कई गल्लां मैं खुल के नहीं कहना चाहता, पर उन्हें पता जरूर न। पर मैं ये कह सकता दो गल्लां मेरे दिमाग च बहुत आ रही। पहली गल हैगी कि संत लौंगोवाल ने अप्रैल के दूजे तीजे हफ्ते च गल कहती सी कि वक्त बहुत खराब है, हुण अमृतसर आने तो पहला तुसी सोच आना तो मेरे को पुछ के आना, क्योंकि असी हर महीने मोर्चा लगा सी उसकी सेवा लई हर महीने जाते स। मैं फिर भी मई के पहले हफ्ते बाबा खड़क सिंह उन्होंने मिलया सी, क्योंकि संत जरनैल सिंह होरी उस वक्त अगर किसी की गल नूं तवज्जो दिंदे सन या मनदे सन वह बाबा खड़क सिंह होरी कार सेवा वाले सन। जिथे लंगर स्थान बन रहा उत्थे इन्हां दा डेरा हुंदा सी, मैं सवेरे सवेरे गया सां ते मैनूं पता सी कोई ना कोई आउण वाला है। ते ये जिहड़े हालात ने साडे सामने नहीं जाणा, पता नहीं कितना नुकसान होना है। जाति तौर पर संत जरनैल सिंह उन्हां दी मैं इस गल तो बहुत इज्जत ते कदर करदा सी कि उन्हां दी जबान दे विच इतना दस सी, एज ए प्रचारक उन्हां वर्गा इस सदी विच कोई प्रचारक नहीं होया। मैं नाम बहुत ज्यादा सुने, बड़ा प्रचार किया संत अत्तर सिंह जी मस्तवाणे वाले, अकाली कौर सिंह, बाबा नंद सिंह, बाबा ईश्वर सिंह राड़े वाले, पर उन्होंने एक अपना तरीका सी। इन्हों का एक तरीका ऐसा सी गज़ब का कि बंदा उस तो बाद फौरन केस सजा लेंदा सी, दाड़ी रख लेंदा सी, बेदबी करनी बंद कर देंदा सी। तो मैं ये समझदा सां कि अगर ये प्रचार वाले पासे पै जान तां जिहड़ी बेदबी हो रही है नौजवानों वालों केसां दी, दाड़ी दी, पतपुणा वध रहा है, ये नेस्तों नमूद होएगा तो बहुत वड्डी ठल पै जाएगी। ये मेरे मन दे विच उन्हां प्रति गल सी जिहड़ी मैं भावें बहुता नहीं मिलन गया, जद भी मिलन गया वो जिहड़े नौजवान बैठे होंदे सन उन्हां नूं जद गल करदे सन तो कहिंदे सी अज तो असीं बेअदबी नहीं करांगे। मेरे मन च कई वार गल आउंदी हैगी कि शायद सरकार ने यह भाव लिया होवे कि संत जरनैल सिंह बहुत वड्डे प्रचारक के तौर पर उभरन गए, तो जिहड़ी असीं सिखां नूं खत्म करन दी, नरम करन दी, घट करन दी गल करदे पए आ वह संत जरनैल सिंह ना हो सके। उन नौजवानों के वापस सिखी स्वरूप वाले नौजवान पैदा हो गए, लोगों ने नौजवानों ने नीलिया दस्तारा भी छड़ के पीलिया दस्तारा बन लिया सन, फर्क कौन नहीं, रंग कोई फर्क नहीं है, पर एक मन की बिरती होंगी जी सामने आती है। हूँ की है कि मैं देखो तरतीब बार शायद तुहाना सुना सकां, क्योंकि मैं एक व्यापारी बंदा वा, कोई प्रोफेसर या आलम फाजल तो है नहीं कि तुहानूं तरतीब बार दसा। इन्हां वेखदे होया मैं बाबा खड़क सिंह उहनां नूं बेनती की कि संत जरनैल सिंह उहनां नूं इस वक्त गिरफ्तारी दे देनी चाहिए है और दरबार साहब छड़ देना चाहिए है। उहनां दा वचन सी कि सरकार एक गलती भुल के नहीं करेगी, अंदर बहुत ज़्यादा मर्जी उड़े बैठे हैं, सरकार पत्ता नहीं ला सकेगी। मैं उस वक्त बड़े एक किस्म की बहुती उम्र तो नहीं सी, पर मैं कहा बाबा जी गल हैगी कि जिस तरह के हालात है गए सरकार को भी फौज बड़ी है, 12 लाख कहते हैं फौज है, तो यह भी मरण वास्ते पैसे देंदे, जीण वास्ते पैसे नहीं देंदे, तो सानू
इस विच नहीं पैना चाहिदा साडा 2-4 हज़ार बंदा अंदर बैठा तो असीं मुकाबला करांगे, खराबी ना हो जाए कौम दी। वो कहने नहीं मतलब नहीं हैगा, सन जरनैल सिंह कोई नहीं जित सकता, जेतू हैगा है, नहीं से बोल सकते, वो बुजुर्ग भी सन तो ज़्यादा उन्होंने गल्ला भी नहीं कर सकते, मायूस होकर चले गए। पर मैं एक गल पुछना चाहता सरकार को, भी दरबार साहब के रस्ते 2-3 है गए, 5 हो गए, छोटिया गलिया चो 10 हो गए, नाकाबंदी कर दौ तो 2-4 तो वध नहीं है गए। ये जड़ा समान अंदर पहुँचया ये किस तरह पहुँचया, ये किवें पहुँचा, मैं ये तो दसो ना तुसी, भी तुसी इतना समान इतने जो भी चीज़ा सन भावें स्टेन गन्ना सन भावें ब्रूथ सी जो भी सी, फिर जनरल सुभेक सिंह जड़ा सी उदे तुहाडे नाल संबंध रहन तुहाडा जनरल रहा, तुसी उस नूं ही गल करके कह सकते हो भाई असी सानू इस तरह दरबार साहब के अंदर इस तरह की लड़ाई जिहड़ी इस तरह की जंग नहीं लड़नी चाहिए। वह भी मन जाता संबंध तो होंगे ही है ना, इन्नी देर उसने सरकार विच फौज भी सेवा की है नौकरी की है तुहाडे हर हुक्म मन्या उसने, तुसी क्यों ने सरकार ने क्यों नहीं पहल की। जब ब्लैक थंडर होया सरकार ने बत्ती बजानी सब कटता सी, उसको सरकार ने स्टेप क्यों नहीं चुकया, सारा पानी कट दें बिजली कट दें 5 दिन 10 दिन किन्ने देर उत्ते रहेंगे। की लगता है कि ये पिछे जो भी है सरकार जिम्मेदार? देखो जी दो गल्लां मैं लगदियां, देखो अज मैं मेरी जिंदगी पता नहीं किन्नी है कि नहीं है, मैं ये लगता है कि अकाली लीडरशिप कोई ना कोई बंदा तो बेईमान है सी, इन्हों अपना यह डर सी कि जे सन जरनैल सिंह इतों जेतू होकर निकल गया साड़ी लीडरी का तो भोग पै जाएगा। उस समय जिहड़े मेन लीडर सीगे अगर अकाली दल की उस समय की गल की जाए तो मेन केड़े केड़े लीडर से जो उस समय कमान भी संभाल रहे सर, की लगता है कि उन्होंने किस चीज़ का मेन होर चीज़ों का डर? देखो गल हैगी कि चार लीडर लीडर चूज सन पर उन्होंने अपनी अपनी कुर्सी की जगह खास सी, एक संत लौंगोवाल जिहड़ा कहिंदा मैं प्रधान रहना है, टोड़ा साहब कहिंदे सन मैं श्रोमणी कमेटी का प्रधान रहना है, टोड़ा साहब की दोवां संतां नाल भिंडरांवालिआं नाल संत लौंगोवाल तालमेल बहुत अच्छा सी, ते जब चोण आउंदे सी दोनों उसनूं नां रिकमेंड करदे सन, मतलब टोड़ा साहब की भी सियासत नूं कुर्सी नूं कोई खतरा नहीं सी। हुण पिछे रह गए 3, एक सरदार बलवंत सिंह, एक सरदार बरनाला ते एक सरदार प्रकाश सिंह हैं जी। इस दी संत जरनैल सिंह दी लीडरशिप नूं सब तो वध खतरा सरदार प्रकाश सिंह दी लीडरी नूं सी, जिहड़ा कि संत जरनैल सिंह अपने भाषणां दे विच इह गल कई वार कह बैठे सन। मैं एक गल होर पुछना चाहुंदा वी जिहड़ियां मीटिंगां मई दे विच होईआं जड़ी के सरदार प्रकाश सिंह बादल की रहनुमाई च हुई, उसकी सच बार क्यों नहीं आया? तीसरी गल समुची लीडरशिप जड़ी सी वो दरबार साहब अंदर सी, भावें संत लौंगोवाल सी ते भावें टोड़ा साहब सन रामू वालिया सी होर बतेरे सन, सरदार प्रकाश सिंह बादल अमृतसर ना होके चंडीगढ़ क्यों सन? यानी तारा कितने ना कितने जुड़ रही सी जिम्मे तुसी नाम लते है। देखो जी गल हैगी मैं एक गल गुरु नूं हाजर नाजर समझ के कह रहा कि इस वास्ते नहीं कि मैं सरदार प्रकाश सिंह बादल का उन्होंने दल का उन्होंने खिलाफ हाँ विरोधी हाँ ता मैं गल्लां कर रहा, मैं सिख होने के नाते इन्हां नेड़े देखा होया है, सन 84 तो बाद 15 साल मैं उन्हां दी रहनुमाई च कम भी किया है, उन्हां दा हर हुकम भी मनिया है, अपनी गल भी कराई है हुकम भी मनिया है। पर एक गल कहण तो मैं
गुरेज करता सा, पर हुण मैं चाहता वा कि सरकार ने उस कोल वाइट पेपर जारी किया सी जिहड़ा झूठदा पलंदा सी कई गल्लां तों। उत्ते सरकार ने यह क्यों नहीं दस्या, सेंटर की सरकार ने भी इत्थों तक नौबत क्यों पई? मैनू एक गल मैं होर देना चाहना, सरदार सुखदेव सिंह ढींसा एक डेलीगेशन आपण लैके गए सन जिते सिंघां दी सिख ड्राइवर की कतलोकार हो गई सी। संत लौंगोवाल ने उन्हें कहा भी प्रैजीडेंट नूं मिल के आओ, जैल सिंह नूं सारी गल दसो हो रहा है। ये बड़ी इतिहासिक गल है, सरदार सुखदेव सिंह ढींसा है जे वह कह मन नहीं याद तो मैं याद करा देंगा। असी तीन बंदे मिलन गए सी, मैं सरदार सुखदेव सिंह ढींसा तो प्रोफेसर अजैब सिंह होंदे सन दिल्ली के लीडर। उत्थे ज्ञानी जैल सिंह ने ढींसा साहब नूं कहा भाई तुसी इस गल नूं मुकण क्यों नहीं देंदे हो, फैसला क्यों नहीं करते हो? सरदार सुखदेव सिंह ढींसा ने कहा फैसला तो तुहाडी सरकार नहीं करती, तुहाडी सरकार फैसला करे सी मन लांगे। उन्होंने कहा तुहाडा उत्थे बाबा बैठा होया तुहानू फैसला मनन देगा। सरदार सुखदेव सिंह ढींसा का बयान सी, जवाब सी तुसी साडियां मंगा मनो। क्या मंगा सी सर? मंगा की सी? वो कोई आनंदपुर का मता तो मनना ही नहीं सन, रेडियो स्टेशन चला दो, पंजाबी बोलते इलाके दे दो, चंडीगढ़ दे दो, फलाना दे दो, ढीणा दे दो, और की सन? अज तो उन्होंने मंगा दी, अज असी वो मंगा उन्होंने को मंगिए सरकार को, तो कहन गए आदमी है गया कौन है गया की है गया। गोल्डन टैंपल ट्रेन का नाँ रख दौ, दरबार साहब तो रेडियो चला दौ, की है गया सन? अज 38 साल इन मंगा की कोई गल है? अज रेडियो स्टेशन चला लो, जिन्हें मर्जी टैलीविजन चला लो। जिहड़ा अकाली दल दरबार साहब तो रेडियो स्टेशन चलाने की मंग करता सी, अज दरबार साहब तो कीर्तन रिले हो रहा है, वो हकूक सारे बादल कोल न। मतलब उन्होंने वक्त सरकार कोल सी, जे तुहाडी ताकत आई है तो तुसी सारे हकूक अपने कोल रख लैन। इत्थे क्यों ना जितने टैलीविजन चलते हैं, जितने सोशल मीडिया चलते हैं, कोई चलाना चाहे चलाओ, तुसी इसनों अपने परिवार की जागीर क्यों बनाया होया? भी साढ़े सिर तुहाडा ही पीटीसी चैनल चलेगा, तुसी कोई होर शुरू कर दोगे उस पर भी वो चलेगा, पर होर किसी को हक नहीं, क्यों नहीं? मैं इस वास्ते दस्या ये मंग सी इन्हां दी रेडियो स्टेशन चलाने की, जब अपने वक्त आई है तो किसी को देने वास्ते तैयार नहीं। की लगता है कि अगर उस समय चीज़ा होंदियां, अगर ये सब चीज़ा सिनेरियो ना बनता तो शायद वो वाकया घटदा ना? बिल्कुल वाकया घट नहीं सी होना। जिहड़ी गल मैं कही है, सरदार सुखदेव सिंह ढींसे ने प्रधान प्रेजिडेंट साहब ने गल कही तुसी साडियां मंगा मनो, उससे असी 20,000 का कट करांगे, और बोले सोने हाल करके उसकी प्रवानगी लैके मोर्चा खत्म कर देंगे, तुहाडियां मंगा मन लांगे। ये लफज सानू ना दे, इहदा मतलब ज्ञानी जैल सिंह भी नहीं करा सके अपनी प्राइम मिनिस्टर को, एक गल ज्ञानी जैल सिंह नहीं बना सके। ये जनवरी 1984 की गल हैगी, कोई बहुती पहले की गल नहीं है। पर जिहड़ी एक खंशा समुची अकाली लीडरशिप नूं इह तां सी भई संत जरनैल सिंह साडा भोग पा के आप वाहिद सिखा दा लीडर बनेगा, जिहड़े उहदे नाल चलणगे वह MLA बनणगे, वह मिनिस्टर बनेंगे, वह चीफ मिनिस्टर बनेगा। इस गल का खंशा समुची अकाली दल की लीडरशिप नूं सी। टोड़ा साहब तो बाकियों ने अपने संपर्क बनाए हुए सन संत जरनैल सिंह नाल, बादल दे नहीं सन। हाँ जी, ये सब कुछ इसीलिए होया? बिल्कुल होया। मेन जिम्मेदार कौन है इस पूरे? जी मैं ये समझा जी कि जिस तरह ओपोजिशन वाले दे संबंध सरदार प्रकाश सिंह बादल दे सन, सारियां तो अबव स्टेचर उहदा बहुत उच्चा सी, वो इस गल नूं टाल सकदा सी जे सियासत ना खेड़दे। की लगता है कि जो सिखां दा मसला आंदा उत्थे सियासत नहीं, थोड़े तो जानना चाहवांगे कि सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिख सब बराबर होंगे? नहीं, देखो जी सब तो पहला साडा धर्म है, सियासत बाद की गल हैगी, कुर्सी बाद की गल है। सब तो पहली गल है कि असी अपने धर्म को अगे किवें लैके जाना है,
अपने सिख सिखां दी मर्यादा ते परंपरा नूं किवें बचाउणा है, यह सब तो अफजल है। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने एक बार नहीं जब 86-85 दे विच राजीव लोंगोवाल समझौता होया जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल और गुरचरण सिंह टोड़ा ने बगावत करती। हालां आनंदपुर की मीटिंग विच एक अकाली दल का बंदा उत्थे 600 का कट सी, सारे टाप के लीडर वर्कर एसवी मैंबर आए सन, एक भी बंदा इन्हां दोवां नाल उठ के नहीं गया सी। मैं टोड़ा साहब की बंब पकड़ के बिठाया सी, तुसीं नहीं बाहर जाना। सरदार प्रकाश सिंह बादल तो वह भी नहीं सी आया, विरोध किया इन्होंने। फिर 20 जुलाई जिस दिन संत लोंगोवाल का कतल होंदा है, उस दिन चंडीगढ़ मीटिंग हुई, जब संतां ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का कैंडीडेट तो मेरा प्रकाश सिंह बादल है, तो श्रोमणी कमेटी का प्रधान मेरा गुरचरण सिंह टोड़ा है, तो उन्होंने समझौता कर लिया। उन्होंने समझौता कर लिया, जिथे संत दियां कतल दियां फोटो लगियां सन उत्थे बादल की कोठरी दे विच तिन्ने बैठे हुए सन, संत कुर्सी ते सी, ये दो खड़े सन, वह फोटो छपियां, बई समझौता हो गया। इतों की अंदाजा लाते हो भी उन्हें समझौते नाल नहीं सी, पर इस समझौते दे विच सुरजीत सिंह बलरारा ना चीफ मिनिस्टर बन गया उहदे नाल सी। जब संतां श्योरेंस देती वो कहिंदा हुण समझौता वधिया है। इस वास्ते इन्हां दी राजनीतिक पुक ने सानू पिछले 38 सालां दी बर्बादी च पहुंचाया है। क्या लगता है धर्म दी दे विच सब राजनीति हुण नहीं होनी चाहिए? अगर हुंदी, अगर उस समय सनारियो दी ते हुण दे सनारियो दी गल कीती जावे, जिस तरीके दे नाल कमेटियां अगे ते फिर कुछ सिखां दे विच ना अकालियां दे विच कोई चंगी लीडरशिप सी, सोच वाले बंदे सन, पंथक सोच करके नाल जुड़े सन, हुण ते इन्हां दे पल्ले है ही कोई नहीं। हुण इह अमृतसर तो लै के कन्याकुमारी तक ते श्रीनगर तो लग के बंगाल की खाड़ी तक ये अपने लीडर के नाम दसन, जेड़े शराबी कबाबी दुराचारी गुरु का माल खाना लेना आवन, भावें दिल्ली है तो भावें लुधियाना तो भावें हो। सर एक सवाल जानना चाहिए, जब तुसी बोला कि तुसी भी प्रकाश सिंह बादल दी दे विच रहे हो, लेकिन सर कभी तुसी आवाज़ नहीं चुकी कि जिस तरीके दे नाल ओह कतलेआम होया सी, ओह चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके की राजनीति हुई नहीं होनी चाहिए। देखो उस वक्त साडा स्ट्रक्चर जरा सी ना इतना वड्डा नहीं सी, साडी गलबात लीडरशिप नाल बहुत अच्छी सी, उन्हां नाल असीं कहिंदे सां, पर यह नहीं सी हैगा। देखो अज मैं तुहानूं एक गल कहां, अक्तूबर 82 दे विच दिवाली दे दिन असी दरबार साहब गए सी, मैं उस वक्त सर मनजीत सिंह कलकत्ता मैनू दर्शनी ड्यूटी के उत्ते लै गया सी, जिथे अकाली दल के प्रधान ते जथेदार अकाल तख्त ने संबोधन करते सन। उस दिन उत्थे रह के सारा दिन गतिविधियां वेख के मैं अरदास कीती सी, सच्चे पातशाह इह मोर्चे नूं छेती सफलता बख्श दे, वरना पता नहीं साडे नाल की होना है। डिफरेंस ऑफ ओपीनियन बहुत हो गया सी, ये तो अविनाशी सिंह हुंदा सी 71 SGPC का, जिहड़ा बहुत दूर अंदेश ते समझदार बंदा सी, उह दोवां संतां नूं जिहड़े दूर ही हुंदी सी ते मिलता देंदा सी, उसने कई बार किया है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जे इंदिरा गांधी अटैक करने तो बाद एक गल सोचती है कि मैंने बड़ी गलती की, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, पहले क्यों नहीं सोचा, पहले उसनु किस किस ने उकसाया, केड़ी सिख लीडरशिप उसनु ये करने वास्ते कह रही सी, क्योंकि एक गल तो बड़ी पक्की है, इन्हों पता सी भी संत जरनैल सिंह जिंदियां साड़ी लीडरशिप नहीं परम सकती, ए या डाउन होवे या जावे ता ही असीं आवांगे। और दा नां की है, वो अपने कामयाब रहे खूब, उहदा नां की है सियासत खेडी, मिनिस्टर रहे, कैबिनेट च रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, उस तो बाद 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे, जिन्हों चाया बनाया, जिन्हों चाया उतारता। सर की लगता है जे अगर उस समय आवाज़ चुकी जाती तो शायद कितने ना कितने पार्टी तो या लीडरशिप तो आउट भी हो सकता था, अगर ये आवाज़ चुकी जाती कि इस तरीके चीज़ एक मन याद है कि गल मोर्चा तो 60 विच ही लग्या सी,
72 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਦੋ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆਏ। ਮਲਕ ਮੁਕਵੈਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਹੇ ਸਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨੱਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਸੀ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀ ਟੀਮ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਤੱਕ ਲਿਆਤੀ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਉਹ ਦਰਦ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਤ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਵਾੜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਆ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਸਨ ਉਹ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਚੁੱਕੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਫਲਾਣ ਹੈ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਸਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਬੈਠਾ। ਕਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਓ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਿਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੰਦਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ? ਗੁਜਰਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ? ਉਸ ਕੋਲ 12 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਵਾਗੌੜਾ ਆਇਆ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹ 2004 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ 5 ਸਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓਗੇ 50% ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, 50% ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਮਾਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਬੈਠਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਦਿਆ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਸਭ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 84 ਦੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ,
अज वो करोड़ों रुपए के मालक न। सर की लगता है इस चीज़ के उपर भी सियासत नहीं होनी चाहिए, हूँ भी लगातार हो रही है। सीधी गल है, सिखां दीआं लाशां दे इन्होंने कीमतां वसूल कीतीआं, बस एक गल मैं कह दिया। सर अगर बरगाड़ी केस की इस तो हटके पुछ रही है, बरगाड़ी केस की गल की जाए तो वह भी सिखां दे नाल बड़ा ही संजीदा जड़ा जुड़िया होया मुद्दा है इस समय, और पंजाब दे विच सियासत बहुत पकी हुई है इसी मुद्दे को लैके। कांग्रेसी लीडर कोर्ट की वर्डिक्ट आई, कांग्रेस लीडर्स आपस में झड़प पे, क्योंकि इस मुद्दे उन्होंने साफ तौर पर कहते कि अकाली दल सरकार इसलिए पिछे किया गया कि उम्मीद से शायद बरगाड़ी मुद्दे के उपर कांग्रेस सरकार कुछ करे, लेकिन कैप्टन ने कुछ नहीं किया। की लगता सर? देखो जी, मेरे तो कैप्टन के संबंध जाति तौर पर बड़े अच्छे हैं, क्योंकि 84 के जब एक कांग्रेस छड़ के अकाली दल शामिल होया, सिखां दा साथ दिता, असी भी जवानी में सां ते असी इहदी बड़ी कदर कीती। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अकाली दल चो वापस अगर भेजा गया तो उहदे च सरदार प्रकाश सिंह बादल ते सरदार गुरचरण सिंह टोड़ा दोनों जिम्मेवार है। गए क्यों, क्या क्या जिम्मेदार ऐसी क्या वेखे 97 दीआं चोणां विच कैप्टन वर्गे बंदे नूं एक MLA की सीट पिछे लड़कियां लै रही पै रही सन, उसने एक नहीं पांच हल्के दसे सन, मैं इतों दे दौ इतों दे दौ इतों दे दौ, दोवां च टोड़ा साहब अड़ गए, त्रियां च बादल अड़ गया। वो की करता, वापस चला गया। हुण वापस जाके वो की करता? मैं उदे उस वक्त की दात दिंदा जब 84 तो लैके 97-13 साल भावें अकाली दल की मूवमेंट नरम सी ते भावें गर्म सी, भावें अकाल तखत ते बुलाया गया सी या नहीं बुलाया गया सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल रहा कौन है, वो अलग नहीं, उन्हें अपने अलग विचार नहीं दिते। पर वो की करता, उदा दोस्तम्मा ते सी राजीव गांधी के परिवार नाल, उन्होंने कहा होना आ जा तेरा इत्थे जगह है नहीं, चला गया। पर मैं एक गल जरूर कहांगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसे परिवार को बिलोंग करता है जिसनों बरगाड़ी दे गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी करने वाले, संगत ते गोलियां चलाने वाले, फटन करने वाले सजा जरूर दवानी चाहिए है। सर इसी चीज़ को लेकर तो पंजाब दी सियासत क्योंकि मंत्री अपने खिलाफ खड़े हो गए। देखो गल सुनो, दोस्तम्मा मेरा है, संबंध बड़े अच्छे हैं, पर गुरु ग्रंथ साहब दे बराबर किसी का मेरा कोई संबंध नहीं। यानी जल्द इंसाफ जिस तरीके ना उदे विच डिले की लगता है सर कि 84 तरह इस विच भी बहुत डिले हो जाएगा? एक लफज हैगा, देर आए दुरुस्त आए। जे कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरी यह बाइट जी मैं तुम दे रहा सुन लैन, या उन्होंने एहलकार उन्होंने सुना देन, मैं नम्रता साहब बेनती करना चाहता, अपने गुरु दी बेदबी का बदला लैण लई दोषियों को सजा देने लई 1000 बादल वार के सुट दिओ, 1000 सुखबीर वार के सुट दिओ, पर गुरु की बेदबी का बदला लै लो, बस मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। सर की लगता है कि जो बरगाड़ी मुद्दा है 84 क्या इंसाफ मिल सके, क्योंकि चोणा भी महज नेड़े है, क्योंकि मुद्दा इन्होंने को मेन जो बरगाड़ी से क्या गल है? 84 का तो इन्हों का लेना देना है नहीं, भाई किनू सजा दवानी है नहीं दवानी है, इंसाफ की गलत हैगी कि इस वक्त सेंटर के अपोजिशन की जो कह लो BJP की हुकूमत है, अपोजिशन मूँह तो चढ़िया होया है, BJP की हुकूमत है। मैं इन्हों कहांगा वाइट पेपर सरकार ने कढ़िया सी 84 दरबार साहब से, हुण तुसी वाइट पेपर कढ़ो किस ना अकाली लीडर ने किन्ना सिख लीडर ने 2 अप्रैल जिहड़ियां गलबात हुई सरकार दे नाल, किसने ये तार पीड़ो कीतियां, किसे नहीं होन दित्तियां, किसने इंदिरा गांधी नूं उकसाया भी अटैक कर, तो उन्हां दी गल्लां ना मन। सर बहुत जदों ये चीज़ां होणगियां तो लगता है कि बहुत नाम जिहड़े सामने निकल के आएंगे, और बहुत सारे वड्डे वड्डे लीडर जिहड़े अज खुद नूं बड़ा उदास ने उन्होंने भी चेहरे साफ जिहड़े लोगों सामने आएंगे। देखो जी, अपना आनंद नाण बैठे, राज सत्ता कर बैठे, पर इतिहास उन्हों का चेहरा तो बार सामने आ जाए ना,
हूँ तो उन्होंने होर की करना है, अरबां रुपए के मालक न कोई कहते हैं भाई दुनिया का सब तो अमीर सिख कोई है तो प्रकाश सिंह बादल है, सुखबीर सिंह बादल है, उस तो बाद उन्होंने होर की चाहिए है। पर कौम ये तो जान लवे ना भी बादल सच्चा है कि झूठा है, बादल सच्चा है कि झूठा है, यह तो जान लवे ना इतिहास से, यह तो जान लवे ना, सच सामने आना चाहिए, सच आना चाहिए। मैं तो सेंटर सरकार को अपील करांगा सच सामने लिया दियो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। सो अज इस खास मौके के उपर साडे नाल गल करन दे लई सी परमजीत सरना सर जिन्हां वालों कहा गया कि सच सामने आना चाहिए, जो घल्लूघारा वापरिया सी अमृतसर विखे अगर उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी तो शायद वह सिख जिहड़े कि इस दिन शहीद होए सीगे, जिन्हां ने अपनी जाना गवाईया सी, शायद उन्हां दी एक आखिरी जिहड़ा कहा जा सकता है उन्हां नूं शायद शांति जरूर मिलेगी। और जिहड़े बरगाड़ी मुद्दा है उसके उपर भी सरकार नूं जल्द जिहड़ा फैसला लेना चाहिए है। कैमरामैन दलवीर दे नाल अमनप्रीत कौर, स्पोक्समैन दिल्ली।